राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के भतीजे सौरभ पाल पर प्राणघातक हमला किया गया। एक दर्जन से ज़्यादा हमलावरों ने सरिया से वार कर उसका सिर फोड़ दिया। बेहोशी की हालत में परिजन अस्पताल ले गए जहां उसका इलाज चल रहा है। उमेश की तहरीर पर पुलिस ने सिपाही समेत 5 नामजद व अन्य अज्ञात पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। जयंतीपुर निवासी कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश राजूपाल हत्याकांड के गवाह है। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई रमेश साकेत नगर में रहता है। रात 9:30 बजे के करीब भतीजा सौरभ घर लौट रहा था। आरोप लगाया था कि इसी दौरान हमलावरों ने उसे रोक लिया और गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध पर सरिया से हमला किया जिससे सिर पर गंभीर चोट आई और वह वहीं बेहोश हो गया। सूचना पर वह मौके पर पहुंचे और बेहोशी की हालत में भतीजे को सिविल लाइंस स्थित निजी अस्पताल पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया। तो वहीं धूमनगंज पुलिस ने बताया कि तहरीर के आधार पर सौरभ अश्विनी आशीष अजीत राय व सुभाष यादव को नामजद किया गया है। सुभाष पुलिस विभाग में सिपाही और मौजूदा समय में उसकी तैनाती जनपद प्रतापगढ़ में है। इसके अलावा अन्य अज्ञात पर भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में मारपीट गाली गलौज के अलावा प्राणघातक चोट पहुँचाने व SC ST एक्ट का केस दर्ज किया गया है। हमलावरों की तलाश की जा रही है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.